नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस एनसीईआरटी को। इस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कोल्ड वॉर इरा अध्याय एक शीत युद्ध का दौर। समकालीन विश्व राजनीति इस एनसीईआरटी बुक में टोटल हमें 9 चैप्टर देखने हैं और ये चैप्टर कुछ इस तरह से हैं। शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण। शीत युद्ध का दौर से लेकर ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण तक हमें इसमें पढ़ना है। दोस्तों, पहला चैप्टर इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो कि है द कोल्ड वॉर इरा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड कोर्स है, या यूँ कहे कि जो हमारा पेड ग्रुप है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो इस गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस नंबर पर आप टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज और कॉल दोनों कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी दी जाती है जो कि कभी कभी यूट्यूब नहीं देता है, और फ्री स्टडी मटेरियल भी इस चैनल पर शेयर किया जाता है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो टेलीग्राम पर, तो दोस्तों IAS PCS गैम इस पब्लिक ग्रुप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, समकालीन विश्व राजनीति अर्थात कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस NCERT बुक का जो सब्जेक्ट मैटर है, ये यही है कि कंटेम्प्ररी इराइन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दोस्तों, कंटेम्प्रेरी इराइन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है और यही सब्जेक्ट मैटर होगा हमारी इस बुक का। शुरू में हमने देखा कि इस बुक में हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 9 चैप्टर पढ़ने हैं, और इसकी शुरुआत होती है कोल्ड वॉर से। देखिए दोस्तों, कोल्ड वॉर से इसकी शुरुआत क्यों होती है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो कोल्ड वॉर का अंत है, वही से बिगिनिंग मानी जाती है, वही से शुरुआत मानी जाती है कंटेम्प्रेरी इरा की, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट से इसे देखे तो। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसकी शुरुआत कब से होती है, किस समय से, किस टाइम पीरियड से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को काउंट करना स्टार्ट करते हैं और क्यों? तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर आपसे पहले किसी ने इसका आंसर कर दिया है तो आप जिसने भी आंसर किया है उसके आंसर को लाइक या डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, हमारे इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं जो कि शीत युद्ध का दौर है, दोस्तों ये चैप्टर हमारे सामने इन पॉइंट्स के माध्यम से रखा गया है। ठीक है, द कोल्ड वॉर इरा इस चैप्टर का अगर आपको स्टडी करना है बुक के थ्रू, तो आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से इसे पढ़ना होगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपके सामने होगा कि क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, दूसरा पॉइंट आपके सामने होगा व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, तीसरा पॉइंट आपके सामने होगा द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, चौथा पॉइंट आपके सामने होगा अरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, पांचवा पॉइंट आपके सामने होगा चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी, छठा पॉइंट आपके सामने होगा दोस्तों न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और लास्ट में आपको देखना होगा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। देखिए दोस्तों, हिंदी में से एक बार देख लेते हैं। क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता। यहाँ पर हम ये जो दो ध्रुवीयता को चुनौती की बात कर रहे हैं, ये गुटनिरपेक्षता के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये क्या कंसेप्ट थी, ये जो इनिशिएटिव था इसका आगे क्या हुआ, भारत और शीत युद्ध। देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर और क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस बुक को हम हमारे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये क्लास 12 के स्टूडेंट की बुक है। इसे डिज़ाइन किया गया है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, और दोस्तों क्लास 12 के स्टूडेंट जिस तरह से इस बुक की स्टडी करते हैं, उस तरह से हमें नहीं करनी है, बिकॉज हमें सिर्फ क्लास 12 की का एक पेपर ही नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इस बुक पर एक उनके एक एग्ज़ाम होती है, वैसी एग्ज़ाम हमें नहीं देनी है। हमारी एग्ज़ाम इससे काफ़ी अलग है। इसीलिए दोस्तों, जिस तरीके से क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस बुक को पढ़ते हैं, उस तरीके से हमारी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं
क्यूबा का जो मिसाइल संकट था, क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जिसे जाना जाता है, उससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 1961 की ये बात है, जो यूएसएसआर के लीडर थे ये चिंतित थे क्यूबा के लिए। क्यूबा के लिए इसलिए चिंतित थे दोस्तों क्योंकि क्यूबा इनका अलाय था, क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री था और दोस्तों अभी भी है। देखिए दोस्तों, उस समय क्यूबा के जो लीडर थे इनका नाम था फिडेल कास्ट्रो। तो यूएसएसआर को चिंता थी कि यूएसए क्यूबा में रिजीम चेंज करा सकता है और फिडेल कास्ट्रो को दोस्तों वहाँ से हटाया जा सकता है, उनके पद से उनके रिजीम को चेंज कर सकता है यूएसए। ये चिंता यूएसएसआर को सता रही थी, जबकि क्यूबा यूएसएसआर का अलाय था दोस्तों। और देखिए, जो अलायज हुआ करते थे, जब हम कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अलायज को समझते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से क्यूबा की केयर कर रहा है यहाँ पर यूएसएसआर, बिकॉज क्यूबा और यूएसएसआर दोनों की जो आइडियोलॉजी है ये सेम है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है, दोनों की पॉलिटी इकोनॉमी सेम तरीके से चलती है। ओके दोस्तों, क्यूबा को यूएसए से बचाने के लिए यूएसएसआर क्या करता है, वे डिसाइड यूएसएसआर उस समय डिसाइड करता है, यूएसएसआर की लीडरशिप डिसाइड करती है कि क्यूबा को एक तरीके से रशियन बेस में कन्वर्ट किया जाएगा, क्यूबा को सेफ बनाया जाएगा, ठीक है। तो क्यूबा को सेफ किस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है यूएसएसआर की, ये न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा तक पहुँचाई जाती है और ये क्यूबा में ला के रखी जाती है, ठीक है। अब क्यूबा के पास न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि यूएसएसआर की है, यूएसएसआर और यूएसए के दोनों के बीच में कंपटीशन है, एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा है। जब दोस्तों यूएसए को इस बात का पता चलता है कि उनका जो एनिमी है, जो कि यूएसएसआर है, इसके वेपन उनके ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये इनके लिए काफ़ी चिंता की बात होती है। उस समय यूएसए के जो लीडर थे या यूके की जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। तो दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी और अमेरिका इस बात को अच्छे से समझता था कि ये सिचुएशन काफ़ी डेंजरस है, बट वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट वॉर नहीं चाहते थे यूएसएसआर से, बिकॉज उन्हें पता था दोस्तों कि वॉर से डिस्ट्रक्शन का ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन हैं जो कि क्यूबा में रखे गए हैं, ये क्यूबा में रहे। इसलिए दोस्तों, इन न्यूक्लियर वेपन को हटाने के लिए यूएसएसआर पे प्रेशर डेवलप करना स्टार्ट करता है, उनके जो शिप होते हैं जो कि यूएसएसआर से क्यूबा की ओर जाते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है और फाइनली यूएसएसआर इन वेपन्स को वापस ले लेता है, वहाँ से हटा लेता है। तो ये पूरी जो सिचुएशन थी जो कि मिसाइल की वजह से क्रिएट हुई थी दोस्तों, और क्यूबा में ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए इसे क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस के रूप में याद किया जाता है, क्यूबा के मिसाइल संकट के रूप में याद किया जाता है। शीत युद्ध का ये एक हाई पॉइंट था, ठीक है, काफ़ी टेंशन उस समय वहाँ पर डेवलप हो चुकी थी। आगे चलते हैं, आई होप कि आपको क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस क्या था मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू ये बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये कोल्ड वॉर क्या है। देखिए, सिंपली इसे इस तरीके से समझिए कि ये कॉम्पिटिशन था दो देशों के बीच में, दो ब्लॉक के बीच में या दो कैंप के बीच में, या यूँ कहे कि दो ग्रुप के बीच में, ठीक है, एक तरीके से कॉम्पिटिशन था। ऐसी कॉम्पिटिशन जहाँ पर डायरेक्टली फाइट नहीं होती है, डायरेक्टली वॉर नहीं होती है, बट एक तरीके से दोनों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती है। डायरेक्टली वॉर ये लोग क्यों नहीं किए उस समय? डायरेक्टली वॉर इसलिए नहीं किए दोस्तों, बिकॉज ये लोग विटनेस थे कि क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट था। अगर तीसरी वॉर होती है दोस्तों, या उस समय अगर होती होने की संभावनाएं थी, तो ये भी एक वर्ल्ड वॉर होती और इससे इनके हाथों में डिस्ट्रक्शन ही मिलता। जबकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत से ही शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत जिस तरीके से हुआ था, यूएसए ने जिन न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया था नागासाकी और हिरोशिमा पर, और इन न्यूक्लियर वेपन का जो इम्पैक्ट उस समय देखने को मिला था दोस्तों, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी बड़ी वॉर होती है तो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ उसमें किया जाएगा। अब देखिए, ये जो डिसीजन था यूएसए का कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करते हैं जापान पर, इसके क्रिटिक्स भी हैं, इसके सपोर्टर भी हैं। क्रिटिक्स कहते हैं दोस्तों कि यूएसए ने इस तरीके का डिसीजन उस समय इसलिए लिया था, यूएसए अच्छे से जानता था कि जापान ज़्यादा देर युद्ध में यूएसए के सामने नहीं टिक सकता, बट
यूएसए एक तरीके से इशारा करना चाहता था, एक तरीके से डराना चाहता था यूएसएसआर को कि एशिया में इसकी जो एक्टिविटीज़ चल रही है वे रुक जाए। इसीलिए दोस्तों यूएसए ने इस तरीके का कदम उठाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूएसए अपने बॉम्ब को प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहता था, इसलिए भी उसने ऐसा किया था, राइट। इसके जो सपोर्टर है दोस्तों इस यूएस के इस डिसीजन के, ये कहते हैं कि उस समय ऐसा डिसीजन या इस तरीके की एक्टिविटी करना आवश्यक था बिकॉज जो यूएसए के अलाय थे उनका कम से कम डिस्ट्रक्शन हो, यूएस को कम से कम लॉस हो जापान के साथ जो युद्ध चल रहा था इसका, इसलिए दोस्तों, और दूसरे विश्व युद्ध को जल्द से जल्द स्टॉप करने के लिए ऐसा कदम उठाना नेसेसरी था। ऐसी बात कही जाती है जो सपोर्टर्स है इस डिसीजन के इनके और से। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत कैसा हुआ, नागासाकी और हिरोशिमा पे किस तरीके से यूएसए के द्वारा बॉम्ब्स डाले गए जो कि एटॉमिक बॉम्ब थे, न्यूक्लियर बॉम्ब थे, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। यूएसएसआर और यूएसए उस समय साथ लड़ रहे थे, या यूँ कहे कि इनका लक्ष्य एक ही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है दोस्तों तो यूएसए और यूएसएसआर में एक तरीके से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इस तरीके से होता है कि यूएसए बिलीव करता है लिबरल डेमोक्रेसी पे प्लस कैपिटलिज्म पर, यूएसएसआर के जो बिलीव थे या उसकी जो आइडियोलॉजी थी ये सोशलिज्म और कम्युनलिज्म से संबंधित थी, ठीक है, सोवियत यूनियन की। दोस्तों दो तरीके के ब्लॉक हमें देखने को मिले या दो तरीके के ग्रुप देखने को मिले जो इन दोनों आइडियोलॉजीज़ पे बिलीव करते थे, और ये हमें प्रमुखता देखने को मिलता है, स्पेशली देखने को मिलता है उस समय यूरोप में। जो लोग यूएसए की आइडियोलॉजी को मानते थे, जो कंट्री या जो यूरोप का जो एरिया इसे मानता था, उसे वेस्टर्न अलायंस के रूप में देखा जाता है, जिसे हेड कर रहा था, जिसे लीड कर रहा था यूएस, राइट। और दोस्तों जिसे लीड कर रहा था यूएसएसआर, इसे ईस्टर्न अलायंस के रूप में देखा जाता है, राइट। यहाँ पर हमें आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, यहाँ पर सोशलिज्म और कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों आगे। यही सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही के अंत होते ही एक तरीके के इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसमें से एक कॉन्सिक्वेंसेस हम कोल्ड वॉर को कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दुनिया में दो न्यू पावर हाउस हमें देखने को मिलते हैं, ग्लोबल स्टेज पे दो नई सुपर पावर उभर के आती है। और देखिए दोस्तों, ये दो नई सुपर पावर थी, इन्हें पता था कि जो दो वर्ल्ड वॉर पहले हो चुकी है, तीसरी वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो इसका क्या रिस्क होगा। तो इन लोगों को एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन भी करना था, बट किसी भी तरीके से डायरेक्ट वॉर को भी अवॉइड करना था, और इस लिए जो कोल्ड वॉर था ये सक्सेसफुल रहा, या यूँ कहे कि कोल्ड वॉर इस चीज़ को मैनेज करने में सक्सेसफुल रहा, ह्यूमन सर्वाइवर को इंश्योर करने का काम कोल्ड वॉर ने उस समय किया, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब किस तरीके से ये दो ब्लॉक हमारे सामने इमर्ज होके आते हैं, राइट। अलायंस सिस्टम हमें देखने को मिलता है सुपर पावर की ओर से। अगर पूरे दुनिया को हम दो कैंप में डिवाइड करें उस समय, तो हमें देखने को मिलता है कि ये पहले डिवीज़न कहाँ हुआ था, ये हुआ था यूरोप में। ज़्यादातर यूरोप की जो वेस्टर्न साइड का जो यूरोप है, वहाँ की जो कंट्री थी ये यूएसए के साइड चली गई, ईस्टर्न साइड का जो यूरोप था ये सोवियत यूनियन के साथ चला गया, ये सोवियत कैंप में चला गया। इसीलिए इन अलायंसेस को वेस्टर्न अलायंसेस और ईस्टर्न अलायंसेस के रूप में भी याद किया जाता है, जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हमें दूसरी बार मैं आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ बिकॉज वेस्टर्न अलायंसेस और प्लस ईस्टर्न अलायंसेस से संबंधित दूसरी चीज़ें भी हमें आगे देखने को मिलती है। तो पहले देखते हैं दोस्तों वेस्टर्न अलायंसेस से संबंधित क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें देखने को मिलती है। नाटो इसी से सामने निकल कर आता है। नाटो क्या था दोस्तों? नाटो एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे जाना जाता है। कब ये एग्जिस्ट में आया? ये आया 19 अप्रैल 1949 को, ठीक है। कितने उस समय इसमें मेंबर थे? 12 स्टेट थे, और इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि जितने भी 12 मेंबर स्टेट है, अगर इनमें से किसी भी मेंबर स्टेट पे किसी भी तरीके का अटैक किया जाता है किसी भी और देश के द्वारा जो कि इस मेंबर स्टेट में नहीं आता है, तो दोस्तों एक तरीके से ये अटैक माना जाएगा इन 12 मेंबर कंट्रीज़ पर, राइट। तो ये जो कंट्रीज थी ये वेस्टर्न यूरोप से बिलोंग करती थी और नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती थी, राइट। तो ये था नाटो जो कि वेस्टर्न अलायंसेस से निकलकर सामने आता है बाद में।
अब ईस्टर्न अलायंसेस ने भी इसका दोस्तों आंसर किया, वार्सोवा पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब वार्सोवा पैक्ट कब क्रिएट किया गया या यू कहे कि कब सामने आया, यह आया 1955 में। नाटो कब बना था दोस्तों, नाटो बना था अप्रैल 1949 में, राइट, द डेट इज करेक्ट, यस द डेट इज करेक्ट, राइट। आगे चलते हैं, बट जो वार्सोवा पैक्ट था इसका फंक्शन क्या था, किस लिए से बनाया गया था, तो इसका प्रिंसिपल फंक्शन था दोस्तों, प्रिंसिपल फंक्शन इसका था कि जो नाटो फोर्सेस है यूरोप में इसे ये काउंटर कर सके, नाटो फोर्सेस को यूरोप में काउंटर करने के लिए बनाया गया था वार्सोवा पैक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, आखिरकार सुपर पावर को अलायंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सुपर पावर के पास न्यूक्लियर वेपन है, सुपर पावर के पास रेगुलर आर्मी है, सुपर पावर के पास जो न्यूक्लियर वेपन प्लस रेगुलर आर्मी है ये किसी भी स्मॉलर स्टेट से जो कि एशिया या अफ्रीका या यूरोप से आते हैं इनसे ज़्यादा बड़ी है। और दोस्तों ये सारे स्मॉलर स्टेट अगर एक जगह भी आ जाते हैं, आई मीन अगर एशिया के स्मॉलर स्टेट एक जगह आते हैं, यूरोप के आते हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका के आते हैं, फिर भी ये फाइट नहीं कर सकते, टक्कर नहीं दे सकते सुपर पावर को। तो सुपर पावर को आखिरकार अलायंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शुरू में हमने क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस के बारे में समझा। अगर हम क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस को फिर से यहाँ पे याद करें तो हमने कहा था कि जो क्यूबा था ये आइडियोलॉजिकली सिमिलर था, इसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी यूएसएसआर की तरह, यूएसएसआर का ये अलाय था, और जो यूएसए है जो कि क्यूबा से ज़्यादा दूर नहीं है, यूएसएसआर को डर लग रहा था कि यूएसए यहाँ पर रेजिम चेंज करा देगा अपने अलायंस को बचाने के लिए। दोस्तों यूएसएसआर ने कुछ कदम उठाए जिससे ही जिसका रिजल्ट था क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, राइट। तो ये अलायंस के लिए सुपर पावर जो कि यूएसएसआर थी उस समय, इन्होंने ये एक्टिविटी की थी जिस वजह से क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस हमें देखने को मिला था। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सुपर पावर को अलायंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, क्यूबा है यूएसएसआर से काफ़ी दूर है, बट यूएसए से ज़्यादा दूर नहीं है, यूएसए के पास है, राइट। अगर क्यूबा से यूएसएसआर के रिलेशन अच्छे होते हैं दोस्तों, और कल यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जिसकी वजह से युद्ध होता है, तो क्यूबा की धरती का यूएसएसआर इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट यूएसए, राइट। तो इसलिए यूएसएसआर को क्यूबा की ज़रूरत है। क्यूबा को क्यों ज़रूरत है दोस्तों यूएसएसआर की, बिकॉज क्यूबा और यूएसए की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती। तो आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल एड प्लस सिक्योरिटी रिलेटेड जो सहायता होती है, सुरक्षा सहायता जो होती है, ये भी चाहिए क्यूबा को, बिकॉज क्यूबा इतना बड़ा भी नहीं है कि यूएसए जैसे कंट्री का सामना कर सके। तो दोस्तों क्यूबा को आवश्यकता है यूएसएसआर की, राइट। तो इस तरीके से हमें एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि अलायंस सिस्टम कैसे उस समय काम किया करता था। कुछ और रीज़न है दोस्तों जिसकी ज़रूरत थी सुपर पावर को, जैसे कि सुपर पावर को भी ज़रूरत होती है दोस्तों रिसोर्सेज की। कोई भी कंट्री दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके पास A to Z सारे के सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे, एक ही ज़मीन पे मिलते हो। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं ऑयल और मिनरल्स की, राइट, टेरिटरीज की, ज़मीन की, ऐसी ज़मीन की जिसका वो इस्तेमाल कर सके अपने वेपन्स को लॉन्च करने के लिए, अपने ट्रूप्स को वहाँ पर रखने के लिए, ओके। लोकेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों, अलायंस जो होते हैं इनका यूज़ कर सकती है सुपर पावर, या उस समय कर सकती थी दूसरे कंट्री को स्पाई करने के लिए, दूसरी कंट्री पर नज़र रखने के लिए। इकोनॉमिक सपोर्ट्स, जो छोटे छोटे देश होते हैं इन्हें मिलिट्रीली सपोर्ट कर सकते हैं सुपर पावर, और इन टर्म इनसे पैसे भी चार्ज कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों सुपर पावर को ज़रूरत थी अलायंसेस की, या यूँ कहे कि छोटे देशों के साथ, या उन्हें साथ लेके चलने की, ओके। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो आइडियोलॉजिकल रीज़न यहाँ पे है दोस्तों, ये ऐसा है कि यूएसए बिलोंग करता है, यूएसए बिलीव करता है लिबरल डेमोक्रेसी में और कैपिटलिज्म में, यूएसएसआर बिलीव करता है सोशलिज्म और कम्युनलिज्म में, और उनके जो अलायंस है दोस्तों, ठीक है, ये भी इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो एक तरीके की लोयलिटीज़, ये चीज़ लोयलिटीज़ यहाँ पे, लॉयलिटी अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, देखिए इसे क्लियर करता हूँ मैं। द लॉयल्टी ऑफ अलायंस सजेस्टेड दैट द सुपर पावर वेयर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल। देखिए दोस्तों,
जो कोल्ड वॉर थी ये सिर्फ और सिर्फ वेपन या मिलिट्री या यूँ कह के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की वॉर नहीं थी, ये आइडियोलॉजिकली भी एक दूसरे के साथ वॉर थी। अगर जो सुपर पावर है इसकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को इसके अलायंस भी फॉलो करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब एक तरीके से जो पर्टिकुलर सुपर पावर है इसकी आइडियोलॉजी भी जीत रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी विद कैपिटलिज्म ये आइडियोलॉजी है यूएसए की, सोशलिज्म और कम्युनलिज्म ये आइडियोलॉजी है यूएसएसआर की। अगर दोस्तों लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म जीतता है, बेहतर है, या यूँ कहे कि इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स पे, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इन पे पड़ता है, तो ये आइडियोलॉजी बेहतर है सोशलिज्म और कम्युनलिज्म से। ओके, ये हमें समझने में यहाँ पे आसानी होती है। अब कोल्ड वॉर के अरिनास की हम बात करते हैं, तो देखिए जब हम कोल्ड वॉर के अरिनास की बात करते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है ये हमें समझना होगा। बट इसे समझने से पहले कुछ ऐसी जगहों के बारे में जान लेते हैं जहाँ पर ये दो सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर बिल्कुल आमने सामने थी। और आमने सामने इस तरह से सी थी दोस्तों कि कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था, जैसे कि कोरिया, बर्लिन, कांगो, अर्ली 1960s और कुछ और प्लेसेस। क्राइसिस और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, या यूके की सिचुएशन और ज़्यादा हाथ से निकल जाती है जब कोई भी पार्टी दोस्तों जो कि इसमें इन्वॉल्व है ये पीछे हटने को तैयार नहीं होती। जैसे कि डोकलाम क्राइसिस के बारे में आपने देखा होगा, डोकलाम क्राइसिस जब हुआ था तो हमारी इंडियन आर्मी ने बिल्कुल भी वहाँ से हटी नहीं थी और चाइनीज़ आर्मी भी वहाँ पर आ चुकी थी, ठीक है। बिकॉज देखिए हम लोग वहाँ पर सही थे, वो एरिया जो कि डोकलाम का ये बिलोंग करता है हमारे साइड से ही, इसलिए हम वहाँ से नहीं हटे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ नहीं लाते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको कह रहा हूँ कि डोकलाम क्राइसिस हुआ था तो इस तरीके की सिचुएशन थी कि दोनों देशों की जो आर्मी थी उस जगह से नहीं पीछे हट रही थी, राइट। तो उसे समझने के लिए यहाँ पर मैंने उसका नाम लिया, ओके। बट जब हम कोल्ड वॉर के अरिनास की बात करते हैं दोस्तों, तो कोल्ड वॉर के अरिनास को हम किस रूप में रेफ़र करते हैं, किस तरीके से रेफ़र करते हैं, हमें ये भी समझना होगा। ऐसी दुनिया की वो जगह है, वो एरिया जहाँ पर क्राइसिस या वॉर होते हैं, या वॉर वॉर होने की धमकी होती है पर्टिकुलरली सुपर पावर के बीच में, या उनके जो अलायंस है जिन अलायंस सिस्टम का वो पार्ट है इनके बीच में। बट इन लोगों ने यहाँ पर एक बात नोटिस करने जैसी है कि अपने लिमिट को क्रॉस नहीं किया, मतलब किसी भी तरह की हॉट वॉर यहाँ पर नहीं हुई, जो प्रैक्टिकली जिसे हम बड़ी वॉर कह सकते हैं, जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था, ये सब चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। देखिए दोस्तों एक समय ऐसा आया कि यूएसए और यूएसएसआर को ये बात समझ में आई कि जिस तरीके की कंपटीशन इनके बीच में चल रही है, आर्म्स की कंपटीशन, ये किस तरीके से घातक हो सकती है, किस तरीके से डेंजरस हो सकती है इनके लिए। फॉर एग्जांपल के रूप में इसे समझते हैं कि देखिए देर इज़ अ ए एक ए है और एक बी है। कंसिडर कीजिए कि दोनों सुपर पावर है या दोनों सुपर पावर के अलायज है, ओके। दोनों सुपर पावर है या दोनों सुपर पावर के अलायज है, ऐसा इसे कंसिडर कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों गलती से न्यूक्लियर वेपन फायर हो जाता है बी के द्वारा ए पर, तो ए इसका रिस्पांस न्यूक्लियर वेपन के रूप में ही करेगा, या गलती से यहाँ का जो न्यूक्लियर जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार रखे गए हैं वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, तो इन सब कंडीशन में लॉस तो यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है। गलती से भी हथियार फायर हो सकता है। अब गलती से हथियार फायर होगा, अगर ये लोग न्यूक्लियर वेपन को फायर कर हो जाता है इनकी ओर से, बी की ओर से, और बाद में ये कहते हैं कि भाई ये तो गलती से हो गया, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो क्या ए बिलीव करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये वॉर हो सकती थी पास्ट में। इन सब चीज़ों को समझते हुए आर्म को कंट्रोल करने की ज़रूरत दोनों सुपर पावर को महसूस हुई दोस्तों, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग आमने सामने आए, एक जगह बैठे, काफ़ी इनमें डिस्कशन हुआ, टॉक्स भी काफ़ी हुई, ठीक है, और कुछ नतीजों पर ये लोग निकले। यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग द सर्टन काइंड ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म कंट्रोल। और देखिए दोस्तों वेपन का जो है
स्टेबल बैलेंस होना चाहिए कि हमारे पास इतने वेपन हैं, आपके पास भी इतने वेपन होने चाहिए, या हमारा एरिया इतना है इसके लिए इतने वेपन की ज़रूरत है, आपका एरिया इतना है इस बेसिस से आपको इतने वेपन की आवश्यकता है, इस हिसाब से या यू कहे कि पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे हमारे पास वेपन होने चाहिए, वेपन को बैलेंस किया जाना चाहिए। और इसकी शुरुआत 1960 से होती है, इनके बीच में कुछ ट्रीटीज़ भी साइन की जाती है। यहाँ पर पर्टिकुलरली तीन ट्रीटी 1960 का जो डेकेट था तब हमें यहाँ पर साइन होती हुई दिखाई देती है। ये ट्रीटीज़ कौन कौन सी है? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसमें इसे क्लियर करते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी फर्स्ट, दूसरी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तीसरी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके अलावा भी बाद में दोस्तों इनमें फिर से मीटिंग्स होती है और कुछ वो मीटिंग बार बार होती है और ट्रीटीज़ हमें देखने को मिलती है जिसकी सहायता से ये जो आर्म्स थे इसे कंट्रोल किया जा सके। ओके, अगर आप चाहे दोस्तों तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इस इशू पे अगर आपको डिफरेंट कोई और वीडियो यहाँ पर देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा वीडियो आपके लिए इस पर बनाया जाए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो बायपोलरिटी थी इसे चैलेंज किया गया। अब देखिए दोस्तों ये किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं, चैलेंज किया गया इसका मतलब क्या है। देखिए यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन को हम कोल्ड वॉर का रूप में देखते हैं, बट इन्हें हम जब हम चैलेंज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बायपोलरिटी हमें देखने को मिलती है, तो ये चैलेंज होता है नॉन अलाइनमेंट के रूप में। ठीक है, जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज थी जो बिलोंग करती थी एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से, इनके पास एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। ये कंट्रीज़ किसी भी एक कैंप को ज्वाइन नहीं करना चाहती, उन लोगों को ये कंट्रीज़ क्यों ज्वाइन करें जिन लोगों से ही ये कंट्रीज़ आज़ाद हुई है। ठीक है, इन्हें फ्रीडम मिली है, इनके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए और इन्हें ऑप्शन मिलता है दोस्तों नाम के रूप में। नाम कैसे बना? देखिए कुछ इंटरनेशनल जो लीडर थे जो कि फ्रेंड थे एक दूसरे के, इसका रिजल्ट हमें नाम देखने को मिलता है, जैसे कि यूगोस्लाविया, इंडिया, हमारे जवाहरलाल नेहरू, इजिप्त, इंडोनेशिया, घाना। शुरू में अगर हम देखें तो यूगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्त के लीडर इस बात पे मतलब इनके बीच में मीटिंग होती है 1956 में, और दोस्तों बाद में इन्हें सपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया और घाना के लीडर्स द्वारा, और ये पाँच लोग मिलकर फाउंड करते हैं, ये फाउंडर बनते हैं नाम के, जिसे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में जानते हैं। देखिए नाम का जो रूट है दोस्तों तो इन लोगों के फ्रेंडशिप में हमें देखने को मिलता है। राइट, पहला समिट कब हुआ है नाम का? तो नाम का फर्स्ट समिट हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में और ये हुआ था 1961 में। अब पहले समिट में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? तो देखिए पाँच देश थे जो कि इसके फाउंडर थे, इनके बीच में सहयोग बढ़ना चाहिए, जो कोल्ड वॉर उसकी वजह से टेंशन उस समय था और ये जो बढ़ता जा रहा था, ठीक है, इस पे चिंतन होना चाहिए। यह यू कहे कि इस पे किस तरीके से ये पांच देश काम कर सकते हैं, और जिस तरीके से बाद में दोस्तों जो न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज़ थी अफ्रीकन कंट्रीज़, इनकी जो एंट्री होती है इंटरनेशनल अरिना में और बाद में ये नाम के मेंबर बनते हैं, नाम से जुड़ते हैं, ये सब चीज़ें पहले समिट में हमें देखने को मिलती है। तो देखिए जो पहला समिट हुआ था यहाँ पर 16 अफ्रीकन देश भी आ गए थे और टोटल ये जो नंबर था 25 मेंबर तक चला गया था। ठीक है, बाद में क्या होता है दोस्तों, ओवर द ईयर जो नाम के जो मेंबर होते हैं इसकी मेंबरशिप एक्सपांड होती जाती है, इसमें बढ़ोतरी होती जाती है। लेटेस्ट समिट जो बुक के हिसाब से दिया गया है ये हुआ था 2006 में, इस बुक के अगर हम अपडेट की बात करें तो, जो कि 14वां समिट था दोस्तों नाम का, हवाना में हुआ था, तो इसमें 116 मेंबर थे और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। ओके, तो देखिए कितना एक्सपांड ये हो गया, कितने मेंबर्स इसमें बढ़ गए। ओके, देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक पॉपुलर मूवमेंट थी, एक इंटरनेशनल मूवमेंट थी, और ये पॉपुलर क्यों हुई दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजंस थे पहले इसे देखते हैं। बट समय के साथ क्या हुआ कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिस लिए बनाई गई थी, जो उसका उद्देश्य था, ये इससे थोड़ी अलग आ गई, अलग रूट से चलने लगी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यू कहे कि इकोनॉमी का रास्ता इसने पकड़ लिया। अगर इसे हमें डिफाइन करना है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमें डिफाइन करना है तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये थी
इससे अच्छा हमें ऐसे ही से डिफाइन करना होगा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इससे संबंधित नहीं थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट संबंधित नहीं थी दोस्तों किसी भी पक्ष में से जुड़ने जुड़ने के या किसी भी अलायंसेस का पार्ट बनने के, किसी भी पक्ष को फॉलो करने के। ये जो दो पक्ष थे यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस तरीके की मूवमेंट थी। एक बार देख लेते हैं स्लाइड में आपके लिए क्या है। अ नॉन अलाइनमेंट ग्रीव इंटू अ पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट, कंट्रीज ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्टेड ज्वाइन इट। देखिए दोस्तों, समय के साथ इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है और डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से बिलोंग करने वाली कंट्रीज़ भी अपना इंटरेस्ट दिखाती है इसमें इसे ज्वाइन करने में। इस वजह से ये लेस होमोजीनियस हो जाती है दोस्तों और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से इसे हम सही तरीके से डिफाइन करें, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, किस लिए स्टैंड करती है, अगर हम देखें दोस्तों तो आसानी से अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि ये किस लिए स्टैंड नहीं करती है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये इसलिए थी दोस्तों कि इसके जो मेंबर है ये किसी भी अलायंस का पार्ट ना बन सके, इनके पास तीसरा ऑप्शन अवेलेबल हो। ये ऐसी पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के सहायता से ये जो जो इसके मेंबर थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, ये अलायंसेस के सिस्टम से दूर रह सके, ये अपनी खुद की पॉलिसी, खुद की फॉरेन पॉलिसी बना सके। बट आइसोलेशनलिज्म एंड न्यूट्रलिटी ये दोनों ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में नहीं आते हैं, राइट। अभी आइसोलेशनलिज्म और न्यूट्रलिटी क्या है पहले से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब आइसोलेशनलिज्म की यहाँ पर बात करते हैं तो ये इस तरीके की टर्म है जिसका अर्थ है कि जो वर्ल्ड अफेयर है इससे दूर हो जाइए या वर्ल्ड अफेयर में किसी भी तरीके का आपको इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने दिया गया है कि जो अमेरिका है, यूएसए जो था 1787 तक, उसके अमेरिकन वॉर से लेके जो अमेरिकन वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए यूएस की, ये हुई थी दोस्तों 1787 में, वहाँ से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। ओके, एक बार क्लियर करते हैं, 1787 से लेकर जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी दोस्तों तब तक यूएसए की आइसोलेशनलिज्म की पॉलिसी थी। ओके, दूसरी बात यहाँ पर है दोस्तों न्यूट्रलिटी की। तो जो हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी ये आइसोलेशनलिज्म से भी प्रभावित नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब आइसोलेशनलिज्म नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रलिटी भी नहीं है। न्यूट्रलिटी किस संबंध में यहाँ पर रेफर किया जा रहा है पहले इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूट्रलिटी का यहाँ पर अर्थ होता है कि ऐसी पॉलिसी जो हमें दूर रखती है किसी भी तरीके के वॉर से। जो स्टेट न्यूट्रलिटी को प्रैक्टिस करते हैं ये किसी भी तरीके के वॉर से, वॉर के कॉन्टेक्ट में नहीं आते या वॉर से दूर रहते हैं। ओके, बट अगर आप नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो भी जो कुछ कंट्रीज थी, नाम के जो कुछ सदस्य थे, अगर इन्हें उस समय देखते हैं दोस्तों तो किसी ना किसी तरीके से ये युद्ध से जुड़े हुए थे या कोशिश कर रहे थे कि जो टेंशन ग्रो हो रहा था कोल्ड वॉर की वजह से इसे रिड्यूस किया जा सके, इसे कम किया जा सके। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी न्यूट्रलिटी से बिलोंग करती है। तो नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। ओके, आगे चलते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है? देखिए दोस्तों, जो नए आज़ाद हुए देश थे इनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं में एक समस्या इनके सामने ये भी थी दोस्तों कि अपनी डेवलपमेंट ये कर सके, अपने जो इनके जो खुद के रिसोर्सेज थे इनका यूज़ ये इनके डेवलपमेंट के लिए कर सके। जो जनता थी दोस्तों, न्यूली डिकॉलोनाइज जो नेशंस थे, इसकी जो जनता थी, यहाँ पर जो गरीबी थी इसे या जो निर्धनता थी इससे ये अपनी जनता को हटा सके, इसके लिए दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है फ्री होने का, ठीक है। अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री अगर वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं है। तो दोस्तों, ये कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज थी इन पे डिपेंड थी, रिच कंट्री पे डिपेंड थी और स्पेशली उन कंट्रीज पे डिपेंड थी जिनके अगेंस्ट ही इन्हें इंडिपेंडेंस मिला था। ओके, जिनके अगेंस्ट ही इन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई थी। तो एक यहाँ पर नया आइडिया हमें देखने को मिलता है जिसका नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और ये कहाँ से आया दोस्तों? अनटैक्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट,
यहाँ से ये आइडिया हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का टाइटल था टूवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, और ये रिपोर्ट आई थी 1972 में। और वहाँ पर हमें दोस्तों न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का जो इनिशिएटिव है या आइडिया है ये देखने को मिलता है, ये आइडिया वहाँ से आता है। अब इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इसका क्या अर्थ था या क्या कुछ रिफॉर्म्स ये अपने आप में सजेस्ट करती थी। देखिए, जो नए नए आज़ाद हुए मुल्क थे, नए आज़ाद हुए उस समय के देश थे, ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अपने लिए यूज़ करें, और दोस्तों ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अपनी खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, इन्हें एक्सेस दिया जाए वेस्टर्न मार्केट में, और दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोडक्ट ये बेच सके वेस्टर्न मार्केट में, ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड हो सके, पुअर कंट्रीज़ को भी अच्छा मौका दिया जा सके, किसी भी तरीके की बाधाएं या यूँ कहे कि हर्डल्स उनके ट्रेड रिले उनका और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड रिलेशन हो इसमें ना आए। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉस्ट होता है दोस्तों, इसे कम किया जा सके और वेस्टर्न कंट्रीज़ इसे कम करें इनके लिए। ओके, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, ये इन इंस्टीट्यूशन में इन लोगों को भी इन लोगों का भी अच्छा रोल इन लोगों को भी अच्छा रोल मिले, ठीक है, ग्रेटर रोल की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, बट क्या होता है, हम इसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, और शुरुआत में तो जिस लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाया गया था ये अपने पॉइंट को स्टिक होकर रहती है, पर बाद में दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज को देना ये स्टार्ट कर देती है। जैसे कि फर्स्ट समिट इसका हुआ था, पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी 1961 में, ये हुई थी बेलग्रेड में, यहाँ पर इकोनॉमिक इशू इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बट 1970s के बाद से हमें ये देखने को मिलता है कि जो इम्पोर्टेंट है ये जो प्राइमरी इसके इश्यूज थे जिसलिए इसे बनाया गया था, ये इसे रिप्लेस कर लेते हैं इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, और ना हम एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के रूप में ही बन के रह जाता है। बाद में 1980s में दोस्तों जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का इनिशिएटिव था, इसे अपोज किया जाता है, विरोध किया जाता है डेवलप कंट्रीज़ की ओर से, ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ एक साथ इसे अपोज करती है, या यूँ कहे कि इनमें यूनिटी दिखाई देती है, बट जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ के जो मेंबर्स थे, इस मूवमेंट के जो मेंबर्स थे, इनमें ऐसी यूनिटी नहीं दिखती जब अपोजिशन की बात आती है या अपोज करने की बात आती है डेवलप कंट्रीज़ को। तो इस वजह से ये जो इनिशिएटिव था ये पीछे रह गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाला इनिशिएटिव। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया एंड द कोल्ड वॉर की, भारत और शीत युद्ध। हम नाम के लीडर थे दोस्तों, हमने कोल्ड वॉर को किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, यहाँ पर टू फोल्ड की बात की जा रही है। एक लेवल पे तो दोस्तों हम देखिए हम दूर रहे दोनों अलायंसेस से, या यूँ कहे कि जो पर्टिकुलर अलायंस हमें देखने को मिले कोल्ड वॉर में, हम किसी भी अलायंसेस का पार्ट नहीं बने, ठीक है। और देखिए, जो न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज थी, ओके, ये भी किसी अलायंसेस का पार्ट न बन जाए, इसके लिए भी हमने कोशिश की, और इसका ही रिजल्ट था दोस्तों नॉन अलाइन मूवमेंट। ओके, देखिए, हमारी पॉलिसी ना ही नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी। नेहरू जी इस बात को अच्छे से समझते थे दोस्तों कि नॉन अलाइनमेंट जो है ये किसी भी तरीके से वर्ल्ड अफेयर से दूर रहने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो इंटरनेशनली उस समय जो चीज़ें हो रही थी इससे हम किसी भी तरह से दूर नहीं थे। जब हम नॉन अलाइनमेंट का पार्ट थे तो इन चीज़ों में भी हमने अपने तरीके से इंटरफेयर किया जहाँ जहाँ करने की आवश्यकताएं थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग वर्ल्ड अफेयर टू सॉफ्टन दी कोल्ड वॉर राइवलरीज। देखिए, कोल्ड वॉर राइवलरीज में जिस जो कुछ भी घटनाएं घट रही थी इसे रिड्यूस करने के लिए, या यूँ कहे कि इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हम लोग प्रयासरत थे। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस इट। जो डिफरेंसेस थे दोस्तों अलायंसेस के बीच में, या अलायंसेस के जो लीडर थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, इसे कम करने की भी हमने कोशिश की। इंडियन डिप्लोमैट एंड लीडर वेयर ऑफन यूज टू कम्युनिकेट एंड मेडिएट बिटवीन कोल्ड वॉर राइवल्स सच एज कोरिया वॉर इन अर्ली 1950s। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कोरिया वॉर की बात की जा रही है कि हमने किस तरीके से यहाँ पे मेडिएट करने का काम किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल कॉज विच हैड लिटिल टू डू विथ इंडिया रियल इंटरेस्ट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक नोबल कॉज था जिसका भारत के प्रमुखता से जो इंटरेस्ट था, हमारा इंडिया इंडिया का जो इंटरेस्ट था, इससे
ज़्यादा संबंध नहीं था, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने हमारे इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से या यू कह के डायरेक्टली सर्व करने का काम किया था। दो तरीक़ों से इसने ये ऐसा किया। एक तरीके से तो दोस्तों जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमें अलाउ करता था कि जो इंटरनेशनली जो डिसीजन है वो हम ले सके, ठीक है। हम किसी भी अलायंसेस का पार्ट नहीं थे, हम किसी भी सुपर पावर को फॉलो नहीं कर रहे थे, और हमें जो सही लग रहा था हम उस हिसाब से उस समय काम कर रहे थे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इंडिया वॉज ओफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट दी अदर सुपर पावर। देखिए, एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर से हम किस तरीके से बैलेंस कर रहे थे। जब हमें एक लग रहा था कि एक सुपर पावर हमसे दूर जा रही है दोस्तों, हम दूसरे सुपर पावर के पास जा सकते थे, ठीक है, उससे रिलेशन बेहतर कर सकते थे या उस और टिल्ट हो सकते थे। इससे क्या होता था दोस्तों कि दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन हो सकता था, और यही हमने सक्सेसफुली किया था जब बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ था, बांग्लादेश की वॉर हुई थी, उस समय इंडिया ने ट्रीटी की थी यूएसएसआर के साथ जो कि 20 साल के लिए थी। ओके, अब देखिए इस ट्रीटी का भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इंडिया अगेंस्ट था कि कोई भी अलायंसेस को ज्वाइन ना करे, जो न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री हैं ये ज्वाइन ना करे, इनके पास एक थर्ड ऑप्शन है नाम के रूप में। बट इंडिया ने ही यूएसएसआर के साथ संधि की थी या यू कह के ट्रिटी की थी जो कि 20 साल के लिए थी। बट इसके पीछे रीज़न था दोस्तों, उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी थी कि यूएसएसआर के साथ हमें उस तरीके की संधि करना आवश्यक था, ठीक है, बिकॉज बांग्लादेश की जो क्राइसिस हो रहे थे, बांग्लादेश लिबरेशन जो वॉर हुआ था इसमें हम उन्हें सहयोग कर रहे थे। नाइदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुलीट। ओके, यही सब चीज़ें इसमें दी गई है, पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगी, कोई बात नहीं है। India's policy of non-alignment was criticized on number of count. Here we may refer only to criticism. देखिए, काफ़ी अलग अलग तरीके से इनका कहना है कि इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बट यहाँ पे दो ही चीज़ों को ये हमारे सामने रख रहे हैं, इस बुक में लेकर आए हैं। कि पहली बात तो ये थी दोस्तों कि India's non-aligned was said to be unprincipled. ये अनप्रिंसिपल था। In the name of pursuing its national interest, India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues. जो crucial international issues थे हम वहाँ पर अपना stand नहीं ले पाए, ठीक है, या हमने नहीं लेना चाहा। Okay, दूसरी बात है देखिए, it suggests that India was inconsistent and took contradictory posture. Having criticized other for joining alliances, India signed a treaty of friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. This was regarded particularly by outside observers as virtually joining the Soviet alliance system. The Indian government's view was that India needed diplomatic and possibly military support during the Bangladesh crisis, and that in any case the treaty did not stop India from having good relation with अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द US। देखिए, जिन चीज़ों को हमने पहले डिस्कस किया, स्पेशली हमने जो 20 सालों के लिए जो संधि हुई थी या जो ट्रीटी हुई थी हमारे USSR के साथ, इसकी यहाँ पे बात की, ये करना आवश्यक था बिकॉज बांग्लादेश का जो क्राइसिस चल रहा था, ऐसे क्राइसिस में इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट की आवश्यकता थी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट की आवश्यकता थी। बट दोस्तों, ये ट्रीटी की थी, बट यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी होगी कि ये ट्रीटी किसी भी तरीके से हमें रोक नहीं रही थी, हमारे जो रिलेशन है ये दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे रहे ये हम पे ही था, ठीक है, ये हमारी ही सोवरेनिटी पे डिपेंड करता था, इंक्लूडिंग द USA। ओके, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा पोस्चर था, इस तरीके से भी इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, इसमें कुछ दम नहीं है। लास्ट स्लाइड है हमारी, इट वॉज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेशन दैट डिकॉलोनाइज स्टेट शेयर हिस्टोरिकल एफिलिएशन एंड कैन बिकेम अ पावरफुल फोर्स इफ दे कम टुगेदर। जो डिकॉलोनाइज कंट्रीज है ये किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी एक कैंप को फॉलो न करें, इनके पास एक हिस्टोरिकल एफिलेशन है, राइट, ये लोग एक साथ आ सकते हैं और पावरफुल बन सकते हैं अगर ये एक साथ आते हैं तो। इसे रिप्रेजेंट इस या यू कह ये बात रखी थी दोस्तों नाम ने, ये इस चीज़ पे भी बेस्ड था। इट मीन दैट द पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड नॉट बिकेम फॉलोअर ऑफ एनी बिग पावर, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की है इस लेसन में। इसका अर्थ ये भी था कि जो छोटे छोटे देश थे ये किसी भी बड़े देश के पीछे या यूँ कह के उसे फॉलो करना इनकी मजबूरी ना बन जाए, ये लोग साथ आकर बड़े पावर्स के सामने खड़े हो सकते हैं। दैट दे कुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी,
और ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं. इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन अ रिजॉल्व टू डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम बाय थिंकिंग अबाउट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू रिड्रेस द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज. वर्ल्ड में दोस्तों जिस तरीके की इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही थी, सिर्फ दो ही सुपर पावर यहाँ पर थी, ठीक है, और दो ही ऑप्शंस थे अलायंसेस को जिन्हें भी ज्वाइन करना था इनके सामने. इसके सामने एक अल्टरनेटिव भी नाम की वजह से हमें सामने आता हुआ दिखाई देता है. दिस कोर आइडिया रिमेन रिलेवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर हैज़ एंडेड. और ये जो कुछ भी आइडिया है दोस्तों, प्रिंसिपली अगर हम देखें, इथिकली अगर हम देखें, तो इनका रिलेवेंस आज भी उतना ही बरकरार है. कोल्ड वॉर का तो अंत हो चुका है फिर भी. अब कोल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ? दो ध्रुवीयता का, सॉरी ये शब्द मुझे काफ़ी बराबर प्रोनाउंस नहीं करते आ रहा है, ये जो दो ध्रुवीयता है इसका किस तरीके से अंत हुआ, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में, या यूँ कहे कि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए. देख लेते हैं, यहाँ पर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में बात की गई है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात की गई है, जिसे NPT भी कहते हैं. स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, हमने कहा था ना कि इनके बीच में मीटिंग्स हुई थी, बातें हुई थी, तो एक और दो, ठीक है. स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, एक और दो, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है दोस्तों. आर्म कंट्रोल ट्रीटीज है ये सब, और ये NCERT की बुक से ही लिया गया पेज है, एज इट इज़ मैंने आपके लिए कॉपी किया है. PDF के साथ आप इसे पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपके लिए क्या है. तो इस वीडियो को आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर. दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो कमेंट है ये कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाइए. ओके, अगर आपके कुछ सुझाव हो तो इसका भी हमें इंतज़ार है. स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. किस तरीके से ज्वाइन करना है ये तो आपको पता ही होगा. और इससे संबंधित अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, क्वेरी है दोस्तों, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इस वीडियो को देखने के लिए, अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप विजिट कर सकते हो studyforcivilservices.com को. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय.